तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग चैनल। सो गाइस, अभी हम घर पे और अभी हम जाने वाले हैं दूध लेने, तो चलिए चलते हैं, थोड़ी देर में ही निकलेंगे। अभी मतलब बाहर आ चुके हैं, ऐसे पूरा अच्छा मौसम हो रखा है, शाम हो रखी है, शाम का टाइम है। घर पे मतलब काम चल रहा है, वो थोड़ा सा रेनोवेट हो रहा है, बाहर पूरा अच्छे से दिखाते हैं। ये देखिए, वहाँ पूरा काम चल रहा है, तो धूल मिट्टी है, तो अभी यहीं पर रहेंगे। अभी मैं जाने वाली हूँ दादी के साथ दूध लेने, घेर है वहाँ पे, हमने एक गाय रख रखी है, तो वहाँ से वो दूध लेके आते हैं। और वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, सभी के साथ मिलेंगे और वॉकिंग करते हुए चलेंगे, देखेंगे अच्छा नज़ारा होता है, तो चलिए चलते हैं। देख सकते हो मतलब ऐसे घर पे कुछ काम चल रहा है। पहले ये जो दीवार है ये यहाँ पे थी, और बहुत ये कम स्पेस था, यहाँ पे हमने पूरा लंबा करवाया है। ये थोड़ी सी स्लाइड बनाई है ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी ये ऊपर की तरफ बनवाई है ऐसे, और यहाँ पे एक ये डिज़ाइन दिया है इस दीवार पे, बाहर से भी दिखाते हैं। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन बनाया है। तो भी ये जो वर्कर है यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अब हम निकल चुके हैं यहाँ पे व्लॉग बनाने। तो यहाँ पे कुछ गाय वगैरह यहाँ से आ रही हैं, पता नहीं इनको कौन छोड़ देता है, पर चलो ठीक है। और ऐसे पूरा व्लॉग शूट करेंगे रास्ते का, तो भी इस साइड हो जाते हैं, वॉकिंग करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि वॉकिंग करना अच्छा होता है सेहत के लिए। और मैं अपनी दादी के साथ जा रही हूँ, हेलो बोल दे दादी। हेलो। यहाँ पे बहुत सारी गायें आ रखी हैं, पता नहीं क्यों, पर नज़ारा भी बहुत अच्छा है, शाम हो रखी है। यहाँ पे बहुत सारे घर भी बने हुए हैं, इस तरफ थोड़ा सा खाली एरिया है, बहुत अच्छा लग रहा है वॉकिंग करते हुए। मैं हर संडे अपनी दादी के साथ वहाँ पे जाती हूँ, यहाँ दादी की फ्रेंड मिल चुकी है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ग्रीनरी में वॉक करते हुए, देख सकते हो। अभी वहाँ आगे एक ऑटो स्टैंड भी बना रखा है, जहाँ पे ऑटो आते हैं, पर ये बस नाम नाम का है, यहाँ पे कोई आता तो है नहीं। अब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रोड हैं, ये एक इस साइड उस साइड, इस साइड उस साइड, बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ ज़्यादातर। हाँ, डबल रोड है यहाँ ज़्यादातर, जो मतलब आदमी वगैरह जो भी है वो यहाँ पे ज़्यादातर गाड़ी वगैरह स्कूटी वगैरह सीखने आते हैं। और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सारी जगह तो यहाँ पे पेड़ ही हैं, तो वॉकिंग करने में बहुत मज़ा आता है। अभी जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको अपने फ्रेंड से भी मिलवाएंगे, जिनके साथ मैं खेलती हूँ। और मैं हर संडे यहाँ पे आती हूँ, वॉकिंग करते करते जाती हूँ, और आती भी वॉकिंग करते ही हूँ। तो देखो कितना अच्छा व्यू है। और हाँ गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। अभी ऐसे ही आराम से वॉकिंग करते हुए चल रहे हैं, गाड़ी वगैरह। यहाँ लोगों ने सेक्टर में बहुत ज़्यादा गोल्डन हट्स वगैरह बना रखी हैं, और जहाँ पे ही अपना ताश वगैरह खेलते हैं सारे जो ओल्ड पीपल होते हैं। अभी बस आने वाला है। अभी इन्होंने यहाँ पे जई रखी हैं, और इन्होंने यहाँ पे पूरी ये काट ली, जो कि यहाँ पे इस मशीन से होके यहाँ पे आ चुकी है, जो भी है ये। और अभी ये एक डेयरी है, मैं दिखा देती हूँ अंदर का। यहाँ पे बकरी वगैरह भी हैं, यहाँ पे ये बहुत सारी बकरियाँ हैं, ये रही ये हैं, ये देख सकते हो। और बहुत सारी भैंसे वगैरह भी हैं, ये उनके बच्चे हैं लड़के। और ये मेरी आंटी हैं, इनका नाम अंकिता है। और यहाँ पे ये अभी कुछ कर रही हैं। और यहाँ पे देखो कितनी सारी भैंसे वगैरह हैं, हाँ ये भैंसों को खाना डालेंगी अभी। यहाँ पे भी बहुत सारी भैंसे हैं, ये एक और बकरी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं भैंसों के। तो अभी बाहर चलते हैं और बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। तो अभी लोग आने लग गए हैं दूध लेने के लिए। तो गाइस, इतनी देर हो गई, मैंने ज़्यादा सब कुछ एक्सप्लोर तो करवा ही दिया, पर मैं एक चीज़ तो बतानी भूल गई, मेरी फ्रेंड ये देखो, ये सेकेंड क्लास में है, मैं इसके साथ बहुत सालों से खेल रही हूँ और यहाँ पे आती रहती हूँ। तो अभी हम ये इसको क्या कहते हैं, बुग्गी, उस पर चढ़ेंगे। तो ये एक पेड़ कटा हुआ है, यहाँ से अभी चढ़ेंगे।
मतलब ऐसे ग्रीनरी में रहने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फ्रेश ऑक्सीजन भी मिलती है हमें। ये मैं चढ़ गई हूँ और ये भी आ रही है अभी, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। और यहाँ पे ही अपनी जो भी ये भैंस वगैरह होती है यहाँ पे बांधते हैं, क्योंकि भैंसों को भी मतलब सनलाइट वगैरह मिलना बहुत जरूरी होता है। दूसरी साइड पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे ये पता नहीं क्या ये दीवार वगैरह सी लगा रखी है सीमेंट से और राख गिरी है, ये इतना सारा वो गिरा हुआ है गायों का एक्सक्रीट देख सकते हो। और वहाँ पे एक पेड़ कटा हुआ है पूरा, और यहाँ पे बहुत सारी दीवारें हैं, वहाँ आगे जाके बहुत ज्यादा पेड़ वगैरह है, वहाँ पे नहीं जाएंगे। अभी मैं यहाँ से इसके ऊपर चढ़ती हूँ। अब हम जा रहे हैं छत पे, क्योंकि छत पे और अच्छा व्यू आता है, तो जल्दी चलते हैं। ये देखो पूरी अच्छे से व्यू आ रहा है, चारों तरफ लगभग ही पेड़ ही हैं यहाँ पे। यहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सोलर पैनल। अभी हम चलेंगे घेर में। सो गाइस, अब मैं आपको अपना घेर दिखाऊंगी जहाँ पे हमने गायें बांध रखी है। तो ये यहाँ पे तो पहले गेट है और यहाँ ये दीवार वगैरह, तो अभी चलते हैं। यहाँ पे मेरी दादी झाड़ू लगा रही है यहाँ पे। यहाँ पे ये धनिया वो सॉरी पालक लगा रखी है, और यहाँ पे एक नींबू का भी पेड़ है। और आगे दिखा देते हैं, आगे यहाँ पे ये गाय है एक, और पंखा चल रहा है अपना, ये खाना खा रही है। यहाँ पे ये मतलब कमरे हैं जिसमें मतलब स्टोर टाइप है, जिसमें गायों का वगैरह जो भी खाना होता है वो यहाँ पे रखा जाता है। ये मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है ये, और यहाँ सीढ़ियाँ वगैरह हैं। तो मेरी फ्रेंड की रिक्वेस्ट है कि ऊपर भी चलेंगे, तो चलो भाई ऊपर चलते हैं, दिखा देते हैं आपको। मतलब छत बहुत ज़्यादा अजीब टाइप की, ये छोटी सी है थोड़ी, यहाँ पे एक ये बड़ा सा, फिर यहाँ पे ये एक जाने का, मतलब यहाँ से भी घूम के आ सकते हो, वहाँ से भी घूम के जा सकते हो, मतलब अलग ही है। यहाँ पे भी एक बड़ी छत है, यहाँ से मैं आपको एक पार्क दिखाती हूँ। तो यहाँ पे एक ये पार्क है घर से अटैच्ड ही, और यहाँ पीछे भी मतलब पूरा ये जितना भी इलाका है ना यहाँ पे, ये पूरा डेयरी का है। वहाँ पे भी एक डेयरी, वहाँ पे भी एक डेयरी, यहाँ पे भी डेयरी, मतलब कितनी सारी डेयरी डेयरी है। अब पीछे दिखाती हूँ आपको वहाँ पीछे जाके। और गाइज एक चीज तो दिखाना ही भूल गए, वहाँ पे एक तालाब भी है, देखो आपको पानी दिख रहा होगा ना, मतलब डेंजरस है बहुत ज्यादा। पर ये देखो एक तालाब भी है यहाँ पे, और यहाँ दादी नीचे झाड़ू लगा रही है। तो अब इसके थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आज अभी जो मैं आपको दिखा रही थी तालाब वगैरह, यहाँ से ना मतलब रास्ता बना रखा है थोड़ा सा। और ये देखो मतलब इतनी डेयरी है यहाँ पे, डेयरी पे डेयरी, समझ ही नहीं आता कुछ। यहाँ पे वो रास्ता ही टूट रखा है देखो, और यहाँ से आगे जाते हैं, पर मैं जाऊँगी नहीं, वहाँ आगे है वो। और तो गाइज अब हम जाएंगे साइकिलिंग करने। मेरा मन था कि मैं आपके साथ ये साइकिलिंग की वीडियो शूट करूं, पर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ये शूट नहीं कर पाऊंगी। तो उम्मीद करती हूं कि आपको ये वाली वीडियो मतलब ये वाला व्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।